आज का यह कार्यक्रम बहुत दिनों पहले परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था कि जोशी तब तो मेरा जन्मदिन नहीं मनाते थे लेकिन यूं ही मेरे मुंह से निकल गया तो मेरे साथ कुछ सन्यासी थे और उन सन्यासियों ने मेरा जन्मदिन मुक्तिनाथ के इस स्थान पर बनाया और यहाँ मैंने उनको नरनारायण पर्वत की श्रेष्ठता बताते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें उपहार के रूप में क्या करेंगे, तो गुरुजी ने कहा कि मैं आष्ट में यहाँ कानन शिला है उसके ऊपर अप्सरा का नृत्य बताऊंगा और उन्होंने उर्वशी का आह्वान करते हुए उन्होंने उर्वशी का नृत्य उनके साथ आए हुए सन्यासियों को बताया था। मेरा चिंतन बहुत दिनों से था कि गुरुजी ने यहाँ की विशेषता जो बताई थी तो उस विशेषता के अनुसार जहाँ गुरुजी की चरण धूलि लगी है, जहाँ गुरुजी ने तपस्या, कहते हैं कि गुरुजी यहाँ 40 दिन तपस्या रत थे नरनारायण पर्वत मुक्तिधाम मुक्तिनाथ के नाम से और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थान के नाम से यह जाना जाता है। इसका विशेष महत्व यह है कि हमारी पृथ्वी का जब प्रलय हो जाता है, प्रलय सारी चीजें डूब जाते हैं, सारी पृथ्वी डूब जाती है जल में, कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु अपने शेष नाग पर अवस्थित होकर जहाँ आज मुक्तिनाथ का धाम है उस पर वे विराजमान होते हैं। थोड़े दिन के बाद माता भगवती की कृपा से वे शेषशायी बनकर मतलब वटपत्रशायी बनकर यहीं विराजमान होते हैं। इतने ऊपर रहने के कारण वहाँ ये जलमग्न नहीं होता स्थान और भगवान विष्णु यहाँ प्रलय के बाद अपना वास करते हैं। इसलिए से मुक्तिनाथ धाम के साथ साथ इस भगवान के विष्णु को श्रीरंग स्थान कहा गया है, श्रीरंगम नाम का स्थान कहा गया है। और यहाँ श्रीरंग नाथ के रूप में भगवान विष्णु अपने शेषय्या पर सोए हुए श्रीदेवी भूदेवी उनके पाँव दबाते हुए यहाँ उनकी पूजा संपन्न करती है और इसे श्रीरंग धाम भी कहते हैं, मुक्तिनाथ धाम भी कहते हैं, क्योंकि सभी लोगों का फिर से भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा ने सृष्टिकर्ता की उत्पत्ति यहां से ही आरंभ हुई है ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसे श्रीरंग धाम कहा गया है। हमने देखा है कि भगवान सत्ययुग में लक्ष्मी नरसिंह पहले कुल देवता हुए सभी के, लेकिन उससे पहले भी रघुवंश में जो रघुवंश है रघु के बाद उस पीढ़ियों में बहुत सारे राजा हुए और सारे राजाएं अपने अपने से बहुत प्रसिद्ध थे। उस रघुवंश के कुलदेवता के रूप में श्रीरंग देवता का स्थान, शेषशायी भगवान का स्थान सभी बहुत श्रेष्ठ है और वे यहाँ थे। रघुवंश में हरिश्चंद्र भी हुए, रघु भी हुए, राजा रामचंद्र जी हुए, दशरथ भी हुए और बहुत सारे राजाएं हुए जिनका अपना अपना स्थान था, अपनी अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए, जिनको चरित्र आज भी याद करता है, जिनका इतिहास, जिनका पुराण, जिनकी श्रेष्ठता आज भी जानते हैं, ऐसे रघुवंश के ये श्रीरंग ये विष्णु मुक्ति धाम के नारायण भगवान उनके कुलदेवत थे। लेकिन कुलदेवत की आराधना इसके करने के लिए जब भी विश्वामित्र भगवान ने त्राटक आदि को मारकर विश्वामित्र जब यज्ञशाला के लिए सिद्धाश्रम ले जाते हुए यहाँ आए और रामचंद्र जी को समझाया कि ये तुम्हारे कुलदेवता का स्थान है, यहाँ से ही जाते हुए नेपाल ही वह मिथिला नगरी है जहाँ सीतामय का विश्वास लग्न हुआ और उनका स्थान कहा जाता है। यहाँ से जाते समय मिथिला से आज भी पालकी जाती है, जानकी देवी की पालकी यहाँ से अयोध्या, और यहाँ भी आज मैंने सुना है कि माता सीता का बहुत भव्य मंदिर राम मंदिर के बाद बनाया जा रहा है। ये भी जाते जाते रास्ते में मिथिला नगरी आती है जो जानकी माता का जन्म स्थान है और यहाँ से ही जाते हुए उन्होंने विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण की शादी का या शिव धनुष को तोड़ना या सारी चीज़ें यहाँ से जाते हुए और नेपाल के पास ही जानकी का
जन्मस्थल, माता जानकी के जन्मस्थल और सीता माता के जन्मस्थल कहा गया है। ऐसे श्री रंगधाम को कभी आते जाते नहीं होने के कारण भगवान दशरथ जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान श्री रंगधाम, आप कुलदेवत बनकर हमारे अयोध्या आ जाओ। उनको अयोध्यानाथ के नाम से जाना जाता है और अयोध्या को कुलदेवत के रूप से श्री रंगधाम अयोध्यानाथ के रूप में वहाँ विराजमान हुए। लेकिन बात ऐसी हुई कि वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ऋषि रहने के कारण उनकी कहने या उनके बातों पर, उनकी श्रेष्ठता के ऊपर उनके राजाओं ने बहुत सारे देवताओं की आराधना की। कुल देवता की आराधना में वो सूर्यवंशी भी कहलाते हैं, सूर्यवंश के रघुनाथ अपने रघुवंश सब सूर्यवंशी कहा जाता है। और उसी तरह श्रीरंग में अयोध्यानाथ की पूजा भी श्रेष्ठता से की जाती है। लेकिन गलती कहाँ हुई, जहाँ भी कुलदेवता का यादा था, जब हरिश्चंद्र जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की, अपने वशिष्ठ महर्षि से प्रार्थना की, तो वशिष्ठ महर्षि ने कहा कि हे हरिश्चंद्र, तुम्हारे को पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें वरुण देवता की प्रार्थना करनी है। बहुत दिनों तक उनको संतान नहीं होने के कारण हरिश्चंद्र जी ने प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा कि वरुण देवता के जैसे वशिष्ठ जी के कहने पर प्रार्थना हुई। तो वरुण देवता ने कहा कि मैं तो तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा, तुम मुझे क्या दोगे। तो हरिश्चंद्र को दिल में यह था कि पुत्र तो प्राप्त होगा मेरे को, मुझे निर्वंश तो नहीं कहा जाएगा, पुत्र प्राप्ति होगी तो बहुत अच्छा ही होगा। तो बोले वरुण देवता को, तुम जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र की बलि चाहता हूँ। अरे तो हरिश्चंद्र को ये लगा कि वंश तो बढ़ना है, वंश तो हुआ, वरुण देवता देते हैं तो फिर पुत्र होंगे कुछ भी। उन्होंने एक ही मिनट में मान लिया कि ठीक है, अब मुझे पुत्र दे दो, हो जाएगा। जैसा ही वरुण देवता ने मान लिया, उनको हरिश्चंद्र जी माता की पत्नी गर्भवती हुई और उनको पुत्र हुआ। पुत्र का धूमधाम से नामकरण किया। तो वरुण देवता आए और उन्होंने कहा कि तूने जैसा वादा किया है वैसे पुत्र की बलि दे दे। हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए कि अब क्या करें। उन्होंने कहा पुत्र तब तक महान नहीं कहलाता, वरुण देवता आप जानते हैं, उसका नामकरण नहीं हुआ, उसका झूला नहीं हुआ, उसके बाल नहीं कटे, तब तक तो वो देवता का पुत्र ही कहलाया जाता है, इसलिए मेरा पुत्र नहीं कहलाया जाता, इसलिए मैं अभी बलि देने की बात नहीं होती, वो थोड़ा बड़ा हो जाने दो, मैं बलि देता हूँ। तो बोले कितने दिन, तो जैसे ही उसके बाल वगैरह कटेंगे नामकरण हो जाएगा, मैं आपकी बात मानूंगा। नामकरण के दिन नामकरण हुआ, बाल कटे, फिर वरुण देवता आए, बोले चलो बलि की तैयारी करो। बोले मैं पिता कैसे कहलाऊँ, ये नामकरण तो देवता का हुआ, अब ऐसा करता हूँ इसके चूड़ा चौल कर्म और इसका उपनयन संस्कार आदि करता हूँ, तब वो मेरे से गायत्री उपदेश लेगा और उसके बाद वो मेरा पुत्र कहलाएगा। मैं चाहता हूँ कि उसके बाद आप उसको बलि ग्रहण करने के लिए आ जाओ। पुत्र बड़ा हुआ, जैसा ही बड़ा हुआ वरुण देवता आए और कहा कि चल उपनयन संस्कार वगैरह सब हो गया, गायत्री मंत्र का उपदेश हो गया, अब तू बलि दे दे। वरुण देवता को देखकर हरिश्चंद्र तो बहुत डर गए और कहा कि प्रभु अब एक बात है, मेरा तो वंश चल गया लेकिन उस मेरा भी वंश चलना चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पुत्र बड़ा हो, उसकी शादी हो और उसको पुत्र हो गया, तो अब जैसा चाहे मैं बलि देने के लिए तैयार। वरुण देवता को क्रोध आया, बोला तू मेरे को हर बार टालते हुए जा रहा है, तू अगर ठीक तरीके से बलि देगा तो देगा बोल, नहीं दे तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। उन्होंने कहा कि आपको मैंने निश्चित रूप से कहता हूँ कि जब बड़ा होगा मैं तुम्हें जरूर उसको उसकी बलि जरूर दे दूंगा जैसे शादी हो जाएगी। लेकिन यह बात जब हरिश्चंद्र के बेटे को पता चला कि उसका बाप वरुण देवता को उसको बलि देने वाला है, वो एक दिन रात में खड़े खड़े भाग गया कि बाप बलि देने वाला है तो अब कैसा होगा, कैसा भाग गया, कितना ढूंढता है, तो वो भागते भागते कहाँ आया कि यही मुक्तिनाथ में आ गया और एक गुफा में रह गया। अब जब वरुण देवता आए तो वरुण देवता ने कहा हरिश्चंद्र क्या हुआ, प्रभु क्या बताऊं, मैं तो असमर्थ हूँ, वो तो भाग गया, पुत्र भाग गया और वो नहीं मिल रहा, आप मैं कैसे कर सकता हूँ, जब मिल जाएगा तब जरूर बलि दूंगा। तो वरुण देवता कहते हैं कि तूने मुझे छला है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे जलोदर का रोग हो जाए, क्योंकि उधर में पानी ही बनेगा, रक्त नहीं बनेगा और तू उससे पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि तूने मुझे सताया है, तूने मुझे झूठ कहा है।